हेलो, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा माइनॉरिटी कॉलेजेस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि माइनॉरिटी का मतलब क्या है, मुंबई यूनिवर्सिटी में कौन से माइनॉरिटी कॉलेजेस है और इस कॉलेजेस में कौन अप्लाई कर सकता है, माइनॉरिटी कॉलेजेस का सीट कितना होता है और इसका एडमिशन कैसे होता है और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इस पूरी प्रोसेस के बारे में मैं इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत आम्बाड़ेकर और इस वीडियो में मैं आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज के माइनॉरिटी कॉलेजेस के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों, मुंबई रीजन में टोटल 70 इंजीनियरिंग कॉलेज है और इन 70 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से 26 कॉलेजेस माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटी में फॉल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मेरे पास इंफॉर्मेशन ब्रोशर है 2024-25 का। इसमें लिखा है कि माइनॉरिटी कोटा का मतलब क्या है। माइनॉरिटी कोटा मीन्स सीट्स ईयरमार्क फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टूडेंट्स विद इन द स्टेट बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी टू विच द इंस्टीट्यूशन बिलोंग्स। इसका मतलब यह है कि माइनॉरिटी कोटा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स उस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं जिस माइनॉरिटी कम्युनिटी का वो इंस्टीट्यूशन है। इसके बारे में विस्तार में मैं एग्जाम्पल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है माइनॉरिटी कैंडिडेचर द महाराष्ट्र डोमिसाइल्ड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी विद इन द स्टेट एंड एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट आर एलिजिबल अंडर दिस कैटेगरी। मतलब कौन सा स्टूडेंट माइनॉरिटी कैटेगरी में आता है, वही स्टूडेंट माइनॉरिटी कैटेगरी में आएगा जो स्टूडेंट महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका लिंग्विस्टिक या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी महाराष्ट्र से है और वह स्टूडेंट माइनॉरिटी कोटा में एडमिशन लेने के इच्छुक है, उनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों, ये लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी क्या होता है, और अगर हमारा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तो क्या हम रिलीजियस माइनॉरिटी के कोटा में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि अगर मेरा गुजराती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है और मुझे गुजराती रिलीजियस माइनॉरिटी कॉलेज में माइनॉरिटी के बेसिस पे एडमिशन लेना है तो क्या मैं उस कोटा के लिए एलिजिबल हूँ। दोस्तों, इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों, माइनॉरिटी कोटा सीट के बारे में एक बात और यहाँ पर ध्यान से सुनिए। द स्टेजेस ऑफ कंप्यूटराइज अलॉटमेंट आर एज फॉलोज। स्टेज वन, द सीट अंडर माइनॉरिटी कोटा इन द माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक और रिलीजियस इंस्टीट्यूट शैल बी अलॉटेड टू द रिस्पेक्टिव माइनॉरिटी कैंडिडेट्स ओनली। इसका मतलब यह है कि पहले राउंड में माइनॉरिटी कोटा के अंडर सिर्फ माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को ही एडमिशन दिया जाएगा जो उस माइनॉरिटी कोटा के लिए एलिजिबल है। लेकिन स्टेज टू में क्या लिखा है, इफ द सीट रिमेन वैकेंट दे शैल बी अलॉटेड टू द महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर कैंडिडेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेरुल के SIS कॉलेज जो कि तमिल माइनॉरिटी में आता है और वहां पर अगर माइनॉरिटी कोटा का कोई सीट फर्स्ट राउंड के बाद में वैकेंट रहता है तो वह सीट सेकंड राउंड में महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर कैंडिडेट्स के लिए, मतलब सारे कैंडिडेट्स जो महाराष्ट्र स्टेट के कैप राउंड के लिए एलिजिबल है उनके लिए ओपन हो जाएगा और वह माइनॉरिटी सीट नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर हम पेज नंबर 89 पर आते हैं तो इस मैनुअल में लिखा है कि टाइप ऑफ कैंडिडेट माइनॉरिटी कैंडिडेट में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन। एक तो डिक्लेरेशन लगेगा स्टूडेंट का या कैंडिडेट का कि वह पर्टिकुलर माइनॉरिटी कैटेगरी में आता है, और दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा कैंडिडेट का। अब हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस का। मुस्लिम माइनॉरिटी के मुंबई यूनिवर्सिटी में चार कॉलेजेस है। पहला कॉलेज है अंजुमन ए इस्लाम MH साबू सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये भाईकला में है। ये नॉन ऑटोनोमस कॉलेज है और इसका रिलीजियस माइनॉरिटी मुस्लिम है। इस कॉलेज का इनटेक 420 स्टूडेंट्स है और एकेडमिक ईयर 24-25 के लिए इस कॉलेज का फीस हो सकता है 1,49,000। मुस्लिम माइनॉरिटी में दूसरा कॉलेज देखते हैं, यह है रिजवी एजुकेशन सोसाइटीज रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये बांद्रा में है। ये भी नॉन ऑटोनोमस कॉलेज है। इस कॉलेज का इनटेक 360 स्टूडेंट्स है और यह कॉलेज का फी एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए
1,12,000 के आसपास हो सकता है। यह कॉलेज रिलीजियस मुस्लिम माइनॉरिटी में आता है। तीसरा कॉलेज देखते हैं, यह कॉलेज है हाजी जमालुद्दीन थीम ट्रस्ट थीम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यह कॉलेज बोईसर में है। इस कॉलेज का इनटेक 360 है। यह भी नॉन ऑटोनोमस कॉलेज है और इस कॉलेज का माइनॉरिटी स्टेटस है रिलीजियस मुस्लिम माइनॉरिटी। एकेडमिक ईयर 24-25 के लिए इस कॉलेज का फी हो सकता है 64,000 रुपया। इस माइनॉरिटी का चौथा कॉलेज है अंजुमन ए इस्लाम्स कालसेकर टेक्निकल कैंपस। ये कॉलेज पनवेल में है। इस कॉलेज का इनटेक कैपेसिटी 420 सीट्स है। यह भी नॉन ऑटोनोमस कॉलेज है और इसका माइनॉरिटी स्टेटस है रिलीजियस मुस्लिम माइनॉरिटी। एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए इस कॉलेज का फी हो सकता है लगभग 1,03,000 के आसपास। तो गुजराती माइनॉरिटी में मुंबई यूनिवर्सिटी के 3 कॉलेजेस आते हैं। उसमें से पहला कॉलेज है श्री विले पार्ले केलवानी मंडल का डीजे संघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यह कॉलेज विले पार्ले में है। यह ऑटोनॉमस कॉलेज है। इस कॉलेज का इनटेक है 1,140 सीट्स। यह कॉलेज गुजराती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के कैटेगरी में आता है और एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए इस कॉलेज का फीस लगभग 2,20,000 के आसपास हो सकता है। चलिए अगला कॉलेज देखते हैं गुजराती माइनॉरिटी में, वो है केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह कॉलेज सायन में है और यह ऑटोनॉमस कॉलेज है। इस कॉलेज का इनटेक कैपेसिटी 480 सीट्स है। यह भी लिंग्विस्टिक गुजराती माइनॉरिटी में आता है और इस कॉलेज का एकेडमिक ईयर 24-25 के लिए फीस है लगभग 1,90,000। तीसरा कॉलेज गुजराती माइनॉरिटी में आता है यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है। यह नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है और इस कॉलेज का इनटेक है 426। यह कॉलेज लिंग्विस्टिक गुजराती माइनॉरिटी में आता है और एकेडमिक ईयर 24-25 के लिए इस कॉलेज की फीस है लगभग 85,000। फर्क क्या है गुजराती माइनॉरिटी जैन माइनॉरिटी गुजराती स्लैश जैन माइनॉरिटी में, इसके बारे में मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। और कौन से स्टूडेंट्स गुजराती माइनॉरिटी में जा सकते हैं, कौन से स्टूडेंट्स जैन माइनॉरिटी में जा सकते हैं और कौन से स्टूडेंट ये गुजराती या जैन माइनॉरिटी में जा सकते हैं, इसके बारे में मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक देखना ना भूलिए। तो इस माइनॉरिटी कैटेगरी में मुंबई यूनिवर्सिटी का एक ही कॉलेज है जो है महावीर एजुकेशन ट्रस्ट शाहान एंकर कच्ची इंजीनियरिंग कॉलेज। यह कॉलेज मुंबई चेंबूर में आता है। यह ऑटोनॉमस कॉलेज है और इस कॉलेज का इनटेक कैपेसिटी 720 स्टूडेंट्स है। यह कॉलेज लिंग्विस्टिक गुजराती जैन ऐसे माइनॉरिटी में आता है। तो कौन से स्टूडेंट्स इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, इसका इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। एकेडमिक ईयर 24-25 के लिए इस कॉलेज का फी 1,51,500 के आसपास हो सकता है। दोस्तों जैन माइनॉरिटी के कैटेगरी में मुंबई यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही कॉलेज है और यह कॉलेज का नाम है एपी शाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये ठाणे में है। यह नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है जिसका इनटेक कैपेसिटी 720 सीट्स है। यह रिलीजियस जैन माइनॉरिटी कैटेगरी में आता है और इस कॉलेज का एकेडमिक ईयर 24-25 का फी 1,33,000 के आसपास हो सकता है। दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी में हिंदी माइनॉरिटी के 4 कॉलेजेस हैं। उसमें से पहला कॉलेज है ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कांदिवली मुंबई। यह ऑटोनॉमस कॉलेज है और इसका इनटेक 990 है। यह कॉलेज लिंग्विस्टिक हिंदी माइनॉरिटी में आता है और इस कॉलेज का फी एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए 2 लाख के करीब हो सकता है। दूसरा कॉलेज हिंदी माइनॉरिटी में आता है लोकमान्य तिलक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यह कोपरखैरने नई मुंबई में आता है। इस कॉलेज का इनटेक कैपेसिटी 540 सीट्स है। यह नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है और यह लिंग्विस्टिक हिंदी माइनॉरिटी के कैटेगरी में आता है। इस कॉलेज का एकेडमिक ईयर 24-25 के लिए फीस 1,40,000 के आसपास हो सकता है। तीसरा कॉलेज इस कैटेगरी में आता है कोटी विद्या चैरिटेबल ट्रस्ट श्रीमती अलामुरी रत्नमाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये शाहपुर में आता है। यह नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है और इस कॉलेज का इनटेक कैपेसिटी 420 सीट्स है। दोस्तों यह भी लिंग्विस्टिक हिंदी माइनॉरिटी में आता है और इस कॉलेज का फीस 2024-25 एकेडमिक ईयर के लिए हो सकता है लगभग 80,000।
कॉलेज जो हिंदी माइनॉरिटी में आता है वो है श्री LR तिवारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये मीरा रोड में कॉलेज आता है और यह नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है जिसका इंटेक कैपेसिटी 540 सीट्स है। यह भी लिंग्विस्टिक हिंदी माइनॉरिटी में आता है और इस कॉलेज का एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए फीस हो सकता है 1,08,000 के करीब। तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी में मुंबई यूनिवर्सिटी के 5 कॉलेजेस आते हैं, जिसमें से पहला कॉलेज है फादर कॉनकेव रॉड्रिक्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये बांद्रा में कॉलेज आता है। तो यह ऑटोनॉमस कॉलेज है जिसका इंटेक कैपेसिटी 360 है। इसका माइनॉरिटी स्टेटस रिलीजियस क्रिश्चियन माइनॉरिटी है और यह कॉलेज का फी 1,85,000 के आसपास हो सकता है। दोस्तों आपने गौर किया होगा कि कोई कॉलेज का माइनॉरिटी स्टेटस रिलीजियस है और किसी कॉलेज का माइनॉरिटी स्टेटस लिंग्विस्टिक है, तो इसमें क्या फर्क है और कौन से माइनॉरिटी स्टूडेंट्स किस कॉलेज के लिए एलिजिबल है माइनॉरिटी कोटा में एडमिशन लेने के लिए, इसके बारे में मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। क्रिश्चियन माइनॉरिटी में दूसरा कॉलेज है एग्नेल चैरिटीज फादर कॉनकेव रॉड्रिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह कॉलेज वाशी नवी मुंबई में आता है। दोस्तों यह भी रिलीजियस क्रिश्चियन माइनॉरिटी के अंडर आता है और यह ऑटोनॉमस कॉलेज है जिसका इंटेक 420 सीट्स है। इस कॉलेज का फी 2024-25 के लिए 1,54,000 के आसपास हो सकता है। देखिए तीसरा कॉलेज वो है सेंट फ्रांसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोरीवली। दोस्तों ये कॉलेज भी ऑटोनॉमस कॉलेज है, इसका इंटेक कैपेसिटी 660 सीट्स है और यह भी रिलीजियस क्रिश्चियन माइनॉरिटी के अंडर आता है। एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए इस कॉलेज का फी लगभग 1,60,000 के आसपास हो सकता है। अगला कॉलेज जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी में आता है वो जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग का जेवियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। यह माहिम में आता है और यह कॉलेज नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है, इसका रिलीजियस माइनॉरिटी क्रिश्चियन है और इस कॉलेज का इंटेक 240 सीट्स है। 2024-25 के लिए इस कॉलेज का फीस 1,65,000 के आसपास हो सकता है। दोस्तों ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी का 5वां कॉलेज है जो मुंबई यूनिवर्सिटी में आता है, एल्डेल एजुकेशन ट्रस्ट सेंट जॉन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। यह पालघर में आता है कॉलेज और इस कॉलेज को ऑटोनोमस स्टेटस मिला है और यह कॉलेज का इंटेक कैपेसिटी 420 सीट्स है। यह कॉलेज भी दोस्तों रिलीजियस क्रिश्चियन माइनॉरिटी में आता है और इस कॉलेज का फीस एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए 90,000 हो सकता है। आगे बात करते हैं रोमन कैथोलिक माइनॉरिटी की। तो रोमन कैथोलिक माइनॉरिटी में मुंबई यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही कॉलेज है, यह कॉलेज है डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुर्ला में आता है और इस कॉलेज का रिलीजियस स्टेटस है रोमन कैथोलिक। यह कॉलेज ऑटोनॉमस कॉलेज है जिसका इंटेक कैपेसिटी 300 स्टूडेंट्स है और यह कॉलेज का एकेडमिक ईयर 2024-25 का फी 1,50,000 के आसपास हो सकता है। सिंधी माइनॉरिटी में मुंबई यूनिवर्सिटी के 3 कॉलेजेस हैं, जिसमें से पहला है थाडुमल शाहनी इंजीनियरिंग कॉलेज, यह बांद्रा में आता है। यह नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है जिसका इंटेक कैपेसिटी 540 सीट्स है। यह लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कॉलेज है और इस कॉलेज का एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए फी 2,05,000 के आसपास हो सकता है। दूसरा कॉलेज जो सिंधी माइनॉरिटी में आता है वो है विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटीज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह कॉलेज चेंबूर मुंबई में आता है जिसका माइनॉरिटी स्टेटस है लिंग्विस्टिक सिंधी माइनॉरिटी। दोस्तों यह भी ऑटोनॉमस कॉलेज है, इसका इंटेक कैपेसिटी 720 सीट्स है और इस कॉलेज का एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए फीस हो सकता है 1,45,000 के आसपास। और तीसरा कॉलेज जो मुंबई यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक सिंधी माइनॉरिटी कैटेगरी में आता है वो है वाटोमल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जो कि उल्लासनगर में स्थित है। इस कॉलेज का इंटेक कैपेसिटी 180 सीट्स है। यह नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है और इस कॉलेज का फी एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए 1,70,000 के आसपास हो सकता है। मलयालम माइनॉरिटी में 2 कॉलेजेस आते हैं, पहला है महात्मा एजुकेशन सोसाइटीज पिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये नवी पनवेल ये न्यू पनवेल में है जो कि ऑटोनॉमस है, इसका इंटेक 630 सीट्स है। ये भी लिंग्विस्टिक मलयालम माइनॉरिटी में आता है और इसका एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए फीस 1,33,000 के आसपास हो सकता है। इसी एजुकेशन ट्रस्ट का दूसरा कॉलेज जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है वो भी मुंबई यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है और इस कॉलेज का नाम है पिल्लई HOC कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यह भी लिंग्विस्टिक मलयालम माइनॉरिटी के अंदर आता है और इस कॉलेज का इंटेक कैपेसिटी 540 सीट्स है और इसका फीस एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए हो सकता है 96,000 के आसपास।
तमिल माइनॉरिटी में दोस्तों सिर्फ एक ही कॉलेज आता है जो कि है SIS ग्रेजुएट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, यह नेहरू नई मुंबई में आता है। इस कॉलेज का इंटेक कैपेसिटी 600 सीट्स है, यह ऑटोनोमस कॉलेज है और यह लिंग्विस्टिक तमिल माइनॉरिटी में आता है। दोस्तों इस कॉलेज का फीस एकेडमिक ईयर 24-25 के लिए 1,20,000 के आसपास हो सकता है। तो पंजाबी माइनॉरिटी में भी एक ही कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और वह है लिंग्विस्टिक पंजाबी माइनॉरिटी। इस कॉलेज का नाम है केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, यह ठाणा में आता है। इस कॉलेज का इंटेक कैपेसिटी 240 सीट्स है और यह नॉन ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज है। दोस्तों इस कॉलेज का 2024-25 एकेडमिक ईयर के लिए फी लगभग 1,23,000 के आसपास हो सकता है। यह हो गई लिस्ट माइनॉरिटी कॉलेजेस की जो मुंबई डिवीजन में आता है। अगर आप किसी और डिवीजन को बिलोंग करते हैं जैसे पुणे है या नागपुर है और आपको उस डिवीजन के माइनॉरिटी कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन एक क्लिक पर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। स्टेटस के साथ दोस्तों इस टेबल से हमें पता चलेगा कि अगर इंस्टीट्यूट का माइनॉरिटी स्टेटस हमें पता हो तो क्या हम उस माइनॉरिटी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती लिखा है, आगे यहाँ पर भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती लिखा है। तो जो भी स्टूडेंट्स गुजराती माइनॉरिटी में आते हैं वो स्टूडेंट इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं जिसका माइनॉरिटी स्टेटस है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती जैन। लेकिन जो स्टूडेंट्स का लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती है वह स्टूडेंट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती कच्ची इस कॉलेज के लिए माइनॉरिटी कैटेगरी में एलिजिबल नहीं है। उसी तरह अगर आपका माइनॉरिटी गुजराती जैन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तो आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती वाला कॉलेज या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती जैन वाला कॉलेज इसमें माइनॉरिटी कोटा में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती कच्ची वाले कॉलेज में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वही अगर हम देखेंगे जिनका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती कच्ची है वह स्टूडेंट इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं जिसका माइनॉरिटी स्टेटस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती कच्ची है या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती है। वह स्टूडेंट जिनका माइनॉरिटी स्टेटस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती कच्ची है वह स्टूडेंट्स लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती जैन के कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती जैन का कॉलेज शाहान एंकर कॉलेज है, उस कॉलेज में कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या तो गुजराती हो या फिर गुजराती जैन हो। जिनका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती कच्ची है वह स्टूडेंट शाहान एंकर कॉलेज में माइनॉरिटी का बेनिफिट नहीं ले सकते। हालांकि ऐसे स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जिन स्टूडेंट्स का रिलीजियस माइनॉरिटी क्रिश्चियन है वह सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी क्रिश्चियन वाले कॉलेज में ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट का रिलीजियस माइनॉरिटी क्रिश्चियन रोमन है वह स्टूडेंट्स ऐसे माइनॉरिटी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं जिसका रिलीजियस माइनॉरिटी क्रिश्चियन हो या फिर जिसका रिलीजियस माइनॉरिटी रोमन कैथलिक हो। चलो इसे यहां से समझते हैं। क्रिश्चियन माइनॉरिटी में हमने कितने कॉलेजेस देखे, यह 5 कॉलेजेस क्रिश्चियन रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं। तो इन कॉलेजेस में कोई भी स्टूडेंट जिसका रिलीजियस माइनॉरिटी क्रिश्चियन हो या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी रोमन कैथलिक हो वो स्टूडेंट इन 6 कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिनका रिलीजियस माइनॉरिटी क्रिश्चियन है वह इस डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जिसका रिलीजियस माइनॉरिटी है रोमन कैथलिक वहां पर माइनॉरिटी कोटा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया है, पसंद आया है और आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ है, कुछ इजाफा हुआ है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही और इंजीनियरिंग रिलेटेड और सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी दबाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।